So you might be someone who has just joined a job and has a completely new people, new team, and a new world around you. There could be a time where you might be feeling that, oh, why I'm not good enough? Why I'm not like those other people? Why I'm not so much confident? So here I'm going to tell you a few things about how to strive at work and to see a growth in yourself as a person. Before starting, I would like to just add one thing, that this is your first time that you are exposed to a corporate life, a job. It's okay to feel like that. There's always a space to change and see a growth in yourself. But this is your first time and it's okay to feel like that. So the first and the foremost thing that you have to do is ki stop limiting your thoughts. हो सकता है कि आप सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हो और शाम को ऑफिस में आ रहे हो और आपको बाकी दुनिया में क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता है. तो ऑल यू हैव टू डू इज कि मेक सम टाइम कि आप बाकी चीज़ों के बारे में भी पता करो कि आपके देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, आपके देश में सरकार कैसे चल रही है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी फील्ड में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट में क्या हो रहा है, इन सब की नॉलेज रखो. द रीज़न बीइंग कि यार अगर आपका दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ में सोचेगा कि यार मुझे काम करना है, मुझे अपना टास्क कंप्लीट करना है, तो आपका दिमाग और आपके थॉट्स वहीं तक लिमिट हो जाएंगे. फिर आप कुछ और ज़्यादा नहीं सोच पाओगे. फिर ऐसे में आप अगर प्रमोशन भी करना चाहोगे तो आपका नहीं होगा. आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपनी लाइफ में हर चीज़ कर रहे होते हैं, मज़े भी कर रहे होते हैं, पार्टी भी कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से भी मिल रहे होते हैं, घूम फिर भी रहे होते हैं और उनका काम भी हो रहा है, पर आपको ऐसा फील हो रहा है यार ये इतना टाइम इनको मिल कैसे जाता है. द रीजन बीइंग कि यार आप हर टाइम ना काम के बारे में सोच रहे होते हैं, आप सोच रहे होते कि यार प्रमोशन कैसे मिलेगा, पैसे कैसे मिलेंगे. यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग. बिफोर गेटिंग अ जॉब और किसी का एम्प्लॉय होने से पहले आप एक ह्यूमन बीइंग थे. जब आप पैदा हुए थे आप ह्यूमन बीइंग थे. क्या आप अपने आप को एज अ ह्यूमन ग्रो कर पा रहे हो? क्या आप अपना सेल्फ ग्रोथ देख रहे हो? क्या आप देख रहे हो कि आप लाइफ में अपार्ट फ्रॉम योर जॉब एंड पोजीशन यू आर ऑल्सो ग्रोइंग इन योरसेल्फ? तो आपको अपने थॉट्स को लिमिट नहीं करना है. यू हैव टू ट्राई कि आप अपने थॉट्स को कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हो. एंड So, जब आप बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हो, देन अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है देन यू कैन स्टार्ट गेटिंग द सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो आप अगर बहुत सारी फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हो तो आप पता चलता है कि यार ये चीज़ मैंने सुनी थी वहाँ पे ऐसे हुआ था, क्या मैं ये यहाँ पे कर सकता हूँ? तो वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन का जो माइंड सेट होता है वो भी बिल्ड होता है. तो आपको अलग अलग फील्ड के बारे में भी नॉलेज रखनी है. नाउ द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज पिक वन स्पोर्ट्स और एनी वर्कआउट. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे से काम भी कर पाओगे. इट डजंट मैटर कि यार आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप 9 घंटे नौकरी कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छी है, आप मेंटली फिट नहीं हो, तो आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे. एंड कितने भी पैसे कमा लो फिर वो बिल्कुल मैटर नहीं करेगा अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है. उसके लिए आप कोई भी एक स्पोर्ट्स पिक कर लो. अगर आपको बैडमिंटन पसंद है बैडमिंटन पकड़ लो, एक क्रिकेट पसंद है क्रिकेट पकड़ लो, एनीथिंग. आप अगर जिम भी जाना चाहते हो आप जिम भी जा सकते हो. मेक एटलीस्ट 1 hour or 30 minutes इन अ डे कि आप ये एक्टिविटी, एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जो आपके बॉडी को मूव करा रही हो. एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब अपने बॉडी को आप मूव करते हो योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज राइट, और आपके मसल्स भी मूव हो रहे होते हैं. ये आपके दिमाग को और ज़्यादा चलाने की कोशिश करता है, आपके ब्रेन के मसल्स को भी चलाता है, जिससे आप अच्छे से सोच सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली यार अगर आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, आप बहुत अच्छे से सॉल्यूशन लेके आ पा रहे हो, तो आप अपने करियर में भी ग्रोथ करोगे, आप अपने कॉलेज स्कूल जहाँ पे भी हो वहाँ पे भी ग्रो करोगे. तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यार अपने फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो. एक घंटा निकालना अपने लिए अगर आप वो भी नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड योर वेस्ट ऑफ योर टाइम. द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू इज गूगल इट बिफोर यू आस्क एनीथिंग. कुछ भी किसी से पूछने के पहले एक बार गूगल कर लो. गूगल नोज एवरीथिंग राइट. किसी भी चीज़ के बारे में ही हो सकता है, लाइक कि आप अपने रूम को कैसे ऑर्गेनाइज करो. इट कैन बी योर स्किन केयर रूटीन, इट कैन बी योर फिजिकल हेल्थ. इवन टिल नाउ मैं यूट्यूब पे एक वीडियो चलाता हूँ वर्कआउट का और मैं उसको फॉलो करता हूँ, चाहे वो 30 मिनट्स का, चाहे 40 मिनट्स का, चाहे 50 मिनट्स का हो, मैं उसको करता हूँ. आई डोंट नीड टू हैव अ पर्सनल ट्रेनर टू डू द फिजिकल एक्टिविटी, और आई डोंट नीड टू हैव अ पर्टिकुलर मेंटर, और किसी कोर्स को भी खरीदने की जरूरत नहीं. आप जो भी सीखना चाहते हो वो पूरा इंटरनेट पर पड़ा हुआ है. एंड ऑल्सो जब भी आपको कोई चीज़ नहीं पता होती है, जब आप किसी और से पूछते हो तो वो आपको एक समरी में बता देता है, आप सोच लेते अच्छा यही है. बट जब खुद से गूगल करते हो तो हो सकता है कि आपको कुछ एक और नई चीज़ मिल गई जो आप समझ पाए कि अच्छा ये भी होता है. अगर आप किसी से और पूछोगे तो एक ही चीज़ के बारे में जान पाओगे, बट अगर आप खुद से गूगल करते हो, खुद से पढ़ते हो, गो थ्रू द ब्लॉग्स, गो थ्रू द वीडियोस और समझने की कोशिश करो खुद से कि ये एक्चुअली में है क्या. डोंट स्टॉप योर सेल्फ कि यार बस एक से पूछ लिया और काम चल गया. नाउ द फोर्थ थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टॉप लिमिटिंग योर पोटेंशियल. अब आपको बहुत सारे लोग बोल सकते हैं ना कि यार तुम्हारे लिए यही काम सही है, तुम इसके आगे मत बढ़ो या तुम ये करने की कोशिश मत करो बिकॉज ये तुमसे नहीं हो पाएगा. तो अपने आप को किसी और के कहने पर अपना जो पोटेंशियल है उसको स्टॉप नहीं करना है. आपको खींचना है अपने आप को यार कि अगर मेरी ये लिमिट है ना कि मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं उससे और आगे करने की कोशिश करूँगा. और इसका बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि पहले मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा. पहले 15 से 20 मिनट ही वर्कआउट कर पाता था. नाउ जब मेरा 20 मिनट होता था मैं थक जाता था, लगता था कि चलो ठीक है बहुत एक्सरसाइज कर लिया. बट
आई मूव्ड इट टू 25 मिनट्स, देन 30 मिनट्स, देन 40 मिनट्स, और अभी मैं 1-1.5 घंटे बहुत आराम से वर्कआउट कर लेता हूँ बिना थके। तो आपको अपने लिमिट्स को क्रॉस करना है, अपने पोटेंशियल को जानो कि यार आपको लगता होगा कि यार इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है, आप उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हो। बस आपको अपना माइंडसेट बिल्ड करना है ये वाला कि अगर ये मेरी लिमिट है ना तो आज मैं इसको क्रॉस करने की कोशिश करूँगा। सो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या आप जॉब में हो और आपको लगता है कि यार 8 घंटे काम करने के बाद मैं और काम नहीं कर सकता, ट्राई इट वन डे। वो 8 घंटे वो काम मत करो, पर कोई एक ऐसी चीज़ पिक कर लो जो उससे थोड़ी डिफरेंट हो और उसको खींचने की कोशिश करो। यार 1-2 घंटा और काम करूँगा पर किसी और चीज़ पे करूँगा, इवन इफ कि मान लो 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 1 घंटे उसके बाद वर्कआउट करूँगा, या 1 घंटे पढ़ाई करूँगा, या 1 घंटे कुछ लर्न करूँगा, या आधे घंटे मैं अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश करूँगा, खाना बनाने की कोशिश करूँगा। एंड इट्स अ वेरी गुड हैबिट कि यार अगर अपने लिए खुद से खाना बनाते हो। द रीज़न बीइंग कि यार हम लोग बाहर किसी से खाने के इतने आदी हो चुके हैं ना कि हम अपने बनाना भूल गए, बट वंस यू कुक फॉर योर सेल्फ इट्स लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको तब पता था कि यार ये चीज़ मैं बना रहा हूँ तो ये अच्छी चीज़ है, मुझे पता है कि इसमें मैंने क्या चीज़ डाली है। वहाँ जब किसी रेस्टोरेंट या किसी भी कैफे या कहीं भी खाते हैं, आपको नहीं पता होता है कि यार वो कितना अनहेल्दी है, कितना अनहेल्दी है हम सभी को पता होता है, पर फिर भी हम खा रहे होते हैं। सो मेक टाइम टू कुक फॉर योर सेल्फ, मेक टाइम टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक टाइम टू लर्न, मेक टाइम टू एक्सप्लोर योर माइंड एंड योर नॉलेज। एंड इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग, जैसे डेली लाइफ में होता है एक दो चीज़ ऐसी मिलेगी जो आपको नहीं पता होगी, और जैसे ही चीज़ मिलती है ना उसको गूगल करो, उसके बारे में ब्लॉग पढ़ो, उसके बारे में वीडियोज देखो, देखो कि वो चीज़ और कौन कौन कर रहा है, क्या तुम उससे मिल सकते हो, अगर मिल सकते हो तो मिल लो। इट्स डोंट लिमिट योर सेल्फ कि यार अगर मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है तो मैं इंजीनियर ही बनूंगा या मैं कोडिंग ही करूंगा, आप उससे और भी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। इट्स जस्ट अबाउट कि यार उस पर्टिकुलर फील्ड में आपने कितनी नॉलेज गेन कर ली है, और उस नॉलेज को गेन करने के लिए आज के टाइम पे फ्री में रिसोर्सेज पढ़े हैं, फ्री में ब्लॉग्स पढ़े हैं, पॉडकास्ट देखो, ब्लॉग पढ़ो, वीडियोस देखो, उस पर्सन से यार अब तो तुम मिल भी सकते हो, तुम जाके देखो बहुत सारे लोग होते हैं मिलते हैं, सी कि क्या आप उस पर्सन से मिल सकते हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है उसके बारे में पढ़ो, हर चीज़ देखो उस फील्ड में क्या है, और वो सब चीज़ तुम्हारे पास अवेलेबल है। नाउ द 5th थिंग दैट इज़ नो योर फ्लॉज। यार हम सभी को पता लगता है कि यार मेरे अंदर ये चीज़ कमी है या मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। अगर मैंने सोच लिया कि यार आई हैव टू इम्प्रूव, बट मुझे नहीं पता है कि किस चीज़ में इम्प्रूव करना है, तो फिर वो होगा ना कि वो जाएगा हाँ आई हैव टू इम्प्रूव, और साल के एंड में भी आप सोच ही रहोगे कि यार क्या इम्प्रूव करना था, मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया। तो यू हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स कि ये चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ कि आपकी मान लो वेट आपका लगता है कि कम है, तो आपको वेट गेन करना आपने लिया, ओके आज मैं 50 किलो का हूँ, एट द एंड ऑफ दिस ईयर मैं 70-80 किलो का होना चाहूँगा। सेकेंड हो सकता है कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी है एंड आई वॉन्ट टू इम्प्रूव इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरी हो सकती है यार कि आई वॉन्ट टू लर्न दिस थिंग, और ईयर के एंड में मैं ये चीज़ इसके बारे में जानकारी रखना चाहूँगा। अगर सिर्फ ये लिखते हो ना कि यार ये चीज़ मुझे सीखनी है, इट डजेंट वर्क। ये मैं भी बहुत कर चुका हूँ कि ये मुझे सीखनी है, पर एट द एंड ऑफ द मैंने उस चीज़ में क्या सीखा मुझे खुद भी नहीं पता है। तो यू हैव टू राइट अ वेरी पर्टिकुलर थिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें भी बता देता हूँ, मान लो तुम कह रहे हो कि यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट फिल्म मेकिंग, तो मुझे फिल्म मेकिंग में मैं कलर ग्रेडिंग सीखना चाहता हूँ, तो लिखो उसको कि फिल्म मेकिंग एंड दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू लर्न। मे बी समथिंग एल्स हो सकता है कि आप कोडिंग में जाना चाहते हो, कोडिंग में मैं C++ में क्या सीखना चाहते हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, या फिर कलेक्शंस हो गया जावा में वो सीखना चाहता हूँ। राइट अ पर्टिकुलर टॉपिक, पूरा स्पेसिफिक लिखो कि हाँ ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ अ 2 मंथ और 1 मंथ वो लाइक ओके ये चीज़ मुझे अब आती है। नोइंग योर फ्लॉज के अंदर मेरे अंदर क्या कमी है और मैं किस चीज़ में इंप्रूव करना चाहता हूँ, राइट इट, मेक अ प्लान एंड एग्जीक्यूट इट, एंड रेट्रोस्पेक्टिव कि भाई अच्छा मैंने ये प्लान किया था तो क्या मैं वो अचीव कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ। नाउ द 6th थिंग दैट यू हैव टू डू इसकी डॉक्यूमेंटेशन। हमारा दिमाग ऐसा बना ना कि यार अगर तुम उसको बार बार कोई चीज़ रिपीट नहीं दिलाओगे तो वो भूल जाएगा, तो सेम इज विथ योर लाइफ। यार आप जो भी चीज़ लर्न कर रहे हो या जो भी रिसोर्सेज आपने यूज़ करी हैं किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करो। सिर्फ रिसोर्सेज जो लर्न करने के लिए नहीं, अगर आपने इस साल कोई चीज़ अच्छी करी है और आपको लगता है कि यार इस साल ये दिन मेरा बहुत अच्छा गया था या इस दिन मैंने ये चीज़ अचीव करी या इस महीने मैंने ये चीज़ अचीव करी, तो उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करो, सो दैट कभी आपको लगे ना कि मैंने तो इस साल कुछ भी अचीव नहीं किया या मेरा तो कोई भी गोल नहीं अचीव हुआ है। तो जब आप पीछे उसके आओ डॉक्यूमेंटेशन को, आपको लगे नहीं भाई ये मैंने किया था, इस महीने किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इस साल कुछ भी अचीव नहीं किया है। अगर छोटी सी भी चीज़ हो रही ना आपकी लाइफ में जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रही है या आपको खुशी दे रही है, आपको लगता है कि यार दिस इज अ विन, इसके लिए मैंने काम किया था, उसको जरूर डॉक्यूमेंट करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एवर यू आर लर्निंग, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें से जो भी पर्टिकुलर एक कोट है जो आपको बहुत अच्छा लगा या आपकी वो आज मेजर लर्निंग थी, उसको डॉक्यूमेंट करो, वरना वो यार एक वीडियो की तरह स्किप हो जाती है, एक एपिसोड की तरह स्किप हो जाएगी और आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट। और मैंने अपनी एक वीडियो भी अपलोड करी है टू राइट योर फर्स्ट जर्नल, तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वॉच इट। सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेज विथ डॉक्यूमेंटेशन इज कि अगर आगे आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिलता है जो आपसे ये पूछता है कि
तुमने ये चीज़ कैसे लर्न करी या आपने इस चीज़ में कैसे ग्रो किया, तो यू हैव दैट रिसोर्सेज कि अच्छा ये किया हुआ ना, आप फिर गूगल पे सर्च करोगे और फिर किसी से शेयर करोगे. तो इट्स गुड टू हैव दोज रिसोर्सेज कि आप डायरेक्ट उस पर्सन को शेयर कर सको. द अनदर थिंग इज दैट यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. जब आप एक जॉब में आते हो, जब आप अपने से अलग लोगों को देखते हो, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होता है कि यार मैं कहाँ पे आ गया. एंड टू बी वेरी ट्रू, मेरे साथ भी सेम हुआ था कि मैं कहाँ पे आ गया, ये कैसे लोग हैं और मैं यहाँ पे एडजस्ट कैसे करूँगा. एट सम टाइम आई वॉन्ट टू क्विट माई जॉब. बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू चेंज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड. और टू बी वेरी ट्रू, यार मैं जॉब में आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज हुआ. मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये तो मैंने देखा ही नहीं था. एंड दैट हैज़ एडेड अ वैल्यू इन माई सेल्फ. आई फील कि ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो मुझे अभी पता हैं, जो मुझे पहले के टाइम पर नहीं पता थी. और जैसे मैंने बोला कि दुनियादारी के बारे में मुझे नहीं पता था, दैट आई केम टू नो थ्रू दिस जॉब ओनली. एंड वेन आई गेट आउट ऑफ माई हाउस, कि आपको घर से निकलना पड़ेगा. एंड यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग कि यार घर में बहुत आराम मिला है, अभी बाहर जाके मुझे एक पर्सन बनना है, एक अपने आप को एज अ कैरेक्टर, एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन अपने आप को मैं मुझे शेप करना है. एंड ऑल दैट थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज़ शेपिंग यू एज अ पर्सन. तो टेक इट एज अ चांस कि भाई लाइफ ने मुझे एक चांस दिया कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, मैं उस चीज़ से बाहर निकलूँ जो मैं पहले था, आज मैं उससे थोड़ा और ज़्यादा ग्रो अप करूँ. टेक इट एज अ चांस, बी मेंटली स्ट्रांग कि नो मैटर कितनी भी हार्डशिप्स आएँ, मैं गिव अप नहीं करूँगा. एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड जितनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाओगे, जितनी स्ट्रांग अपना कैरेक्टर रखोगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपसे इंस्पिरेशन लेंगे और आपसे सीखने की कोशिश करेंगे. सो इफ़ यू वॉन्ट कि लोग आपसे बात करें, लोग आपके पास आएँ, लोग आपसे चाह रखें कि यार मैं इस पर्सन से मिलना चाहता हूँ, तो यू हैव टू ग्रो एज अ पर्सन. यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ चेंज इन योर सेल्फ एंड बी रेडी फॉर ऑल दोज चेंजेस. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग.